हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम प्लाज़ो का बॉटम का एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो प्लाज़ो को मैंने स्टिच कर लिया है, इलास्टिक मैंने इसमें डाल दिया है, ऊपर से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो इसका जो मोरी है, इसका जो पोंचा होता है प्लाज़ो का, नीचे बॉटम वाला एरिया, उसी में मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये ना खुला वाला प्लाज़ो है, जो खुला प्लाज़ो होता है वो वाला है। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी कट कर ली है, जो कि मैंने 3.5 इंच की कट की है, और इस पर मैंने जो पेपर पेस्टिंग होता है वो प्रेस की हेल्प से मैंने इस पर चिपका लिया है। तो 3.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी कट की है, और जितना मेरे प्लाज़ो का जो उसका पोंचा है उतना मैंने इसको रख लिया है। अब मैं इसका हाफ़ कर लूँगी, यहाँ पे निशान लगा के इस पर मार्किंग करूँगी, जो मैंने डिज़ाइन बनाऊँगी इसके ऊपर। तो जो रील वाला धागा होता है ना, उसी के साथ ही मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो आप पूरा वीडियो देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैंने ना ये निशान लगा लिया है, ऊपर से मैंने 1.25 इंच जो है वो छोड़ा है, क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड से जो फोल्ड करना है ना, इसलिए मैंने ऊपर से ये छोड़ा है, ऊपर तक हम डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। तो 1.25 इंच मैंने छोड़ लिया है ऐसे, और 3 इंच का गैप रख के मैं सारे निशान इस पर लगा लूँगी। तो इधर वाली साइड को देखो, मैंने 3-3 इंच रखा है, और 3-3 इंच का गैप छोड़ के मैं पूरे इस पर निशान लगा लूँगी। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ऐसे पूरे 3-3 इंच का गैप रख के मैं पूरे निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने ना धागे, ये रील, डबल रील इस पर लगाई है, डबल धागे की हेल्प से मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो हमने एंकर वाला धागा यूज़ नहीं किया है इसमें, तो मैंने रील का ही धागा यूज़ किया है। तो डिज़ाइन मैंने, सिलाइयाँ जो मैं लगा रही हूँ, मैंने डबल डबल सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाली साइड को हमने धागे को तोड़ना नहीं है, नीचे की साइड लेकर आना है और घुमाते जाना, धागा हमने तोड़ना नहीं है, ताकि हमारे जो डिज़ाइन की फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो ये देखो, ऐसे मैं पूरा डिज़ाइन इसमें बना लूँगी। बस ये जो हमने बीच में सिलाइयाँ लगानी हैं, एक जो मशीन का जो पैर होता है उसी के हिसाब से, पैर का हिसाब रख के हमने उतनी उतनी हमने ये सिलाइयाँ लगानी हैं। अगर आप निशान वगैरह लगाना चाहते हो तो निशान भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत सीधी ये सिलाइयाँ आ जाती हैं अगर आप पैर के हिसाब से लगाओगे, एक पैर का छोड़कर लगाओगे पूरा पूरा, तो पूरी ये सिलाई बहुत अच्छी से हमारी बराबर आ जाएगी। तो इसी तरह पूरे मैं जो ये पूरा कपड़ा है इस पर इसी तरह का डिज़ाइन पूरा बना लूँगी, और हमने धागे को कट नहीं करना है। तो ऊपर वाली साइड जैसे मैं ये लेकर गई, यहीं से हमने इसको नीचे की तरफ घुमा के लेकर आना है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग से बने। और धागा तोड़ेंगे ना तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी और धागे निकलते रहेंगे और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने इस पर डबल सिलाई लगा दी। और अगर आप एंकर का धागा यूज़ कर रहे हो तो वो तो धागा थोड़ा मोटा होता है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा हमारा डिज़ाइन इसके रील के धागे से बनकर तैयार हुआ। तो मैं रील से भी काफ़ी सूट्स पे ऐसे डिज़ाइन बनाती हूँ, तो ज़्यादातर मैं रील को डबल करके ही डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो इसकी कुर्ती पे भी मैंने डिज़ाइन नेक बनाया था, और जो प्रिंसेस कट उसका बनाया था, उस पर पाइपिंग लगानी आपको सिखाई थी, तो उसी का प्लाज़ो है ये। और जब पूरी ड्रेस की भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी ये ड्रेस हमारी तैयार हुई। बहुत सिंपल सा सूट है ये, बिल्कुल प्लेन है, और इसको डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल और सोबर हमने डिज़ाइन इसका किया है, और बहुत ही अच्छा लगा। हमने ना ये देखना होता है कि कौन से कपड़े पे कौन सी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। अब ये डिज़ाइन तो काफ़ी होते हैं, लेकिन कपड़े के हिसाब से अगर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो कपड़ा आपका थोड़ा सस्ता कपड़ा भी होगा ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी लुक आएगी उसकी। अगर कपड़े के हिसाब से ही हमें डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। तो ये देखो, ये हमारा ये बन के तैयार हो गया। अभी मैं पूरे पे इस पर करके आपको दिखाती हूँ पूरा तैयार करके। तो ये देखो, पूरा मेरा ये तैयार हो गया है। अब मैं प्लाज़ो को लेके उल्टा रखूँगी प्लाज़ो, और ये जो मैंने पट्टी तैयार की है इसको भी उल्टी साइड से ही रखूँगी। इसको मैंने उल्टा करके उसके ऊपर रखा है, प्लाज़ो का उल्टी साइड है। अब सीधी वाली साइड को हम इसको टर्न कर लेंगे ऐसे। तो मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस के से मैं इसको बिठा लेती हूँ अच्छे से।
तो ये देखो मैंने प्रेस कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका वो ट्रिम कर दूंगी। अब मैंने इसके ऊपर एक गुम पाइपिंग लगा दूंगी ताकि थोड़ा डिज़ाइन हमारा हाईलाइट हो जाए। और कुर्ती पे भी मैंने पाइपिंग लगाई थी ना, जो प्रिंसेस कट कुर्ती हमने बनाई थी तो उस पर मैं पाइपिंग लगानी मैंने आपको सिखाई थी। और कपड़े से पाइपिंग कैसे बनाते हैं डोरी डाल के, वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने ये कपड़े से डोरी कपड़े की बना ली है और हमने बिल्कुल बारीक सी डोरी बनाई है क्योंकि हमारा ये प्लेन कपड़ा है ना, तो प्लेन कपड़े पे अगर हम मोटी पाइपिंग लगाएंगे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैं बहुत ही बारीक सी पाइपिंग, आप देख रहे हैं कि कितनी बारीक पाइपिंग मैंने लगाई है। और ये बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग देखो आ गई, कितना अच्छा डिज़ाइन हमारा सिंपल और सोबर, बहुत ही सुंदर हमारी डिज़ाइनिंग बनी है ये। और पूरी जो सूट है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छी डिज़ाइनिंग हमने की है इस पर। तो ऐसे ही मैं दूसरे पोंचे पे भी इसके डिज़ाइन बना लूँगी। तो ये देखो ये हमारा बन के तैयार हो गया, थोड़ा प्रेस करके मैं इसकी फिनिशिंग करके, तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब जितना भी हमने इसका पोंचा रखना है, जितनी भी मोरी रखनी है, उसी के हिसाब से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कोई पर्ल वगैरह लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।